Hello everyone this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 3 fiber to fabric so today we are going to discuss about these topic processing of cotton which includes ginning spinning weaving knitting and finally we will discuss about uses of cotton so if you haven't seen part 1 of this chapter the link is given in the description box and if you are new to my channel do consider it subscribing now and press the bell icon to get notified so let's lead. this is the flow chart of how processing of cotton takes place so first of all we'll get the raw cotton balls that is we are getting by cultivation of cotton then we are ginning it that is cleaning of cotton balls then spinning of cotton into yarn yarn is the basic step from where we are going to convert it into fabrics so while converting yarn to fabric yarn say fabric may convert conically though process hai. Kya, kya? weaving of yarn into fabric otherwise knitting of yarn into fabric so let us discuss each step in more details starting with how we are going to get raw cotton balls okay first we will discuss about cultivation of cotton okay so this is the picture of cotton growth stages as you can see first there is a seed देन इट विल कन्वर्ट इन टू सिडलिंग देन इट विल ब्लूम एंड एट मेच्योरिटी वी आर गोइंग टू गेट द काटन ठीक है सो इन इंडिया कॉटन इज कल्टिवेटेड इन नॉर्दर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स नॉर्दर्न सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स में कॉटन को कल्टिवेट किया जाता है स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र हरियाणा राजस्थान तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश ठीक है ना कॉटन प्लांट को कैसा एटमोसफेयर चाहिए इट नीड्स अ वार्म क्लाइमेट ठीक है एंड इट इज़ कल्टिवेटेड ऑन विच टाइप ऑफ सॉयल इट इज़ कल्टिवेटेड ऑन ब्लैक क्ले सॉयल ठीक है सो उसे वार्म क्लाइमेट चाहिए और वो ग्रो होता है ब्लैक क्ले सॉयल में अब द सोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप इज डन इन अर्ली स्प्रिंग कब किया जाता है अर्ली स्प्रिंग के टाइम पे एंड कॉटन प्लांट्स जो होते हैं वो बुशी होते हैं एंड वन टू टू मीटर टॉल होते हैं ठीक है नाउ द प्लांट्स स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट हाउ मेनी डेज सिक्सटी डेज एंड गिव वाइटिश येलो फ्लावर्स विच टर्नस रेडिश इन फ्यू डेज टाइम तो अब प्लांट्स को फ्लावरिंग होने में सिक्सटी डेज लगता है जो कि व्हाइटिश येलो कलर का फ्लावर देता है एंड आफ्टर दैट इट विल टर्न इन टू रेडिश कलर इन फ्यू डेज टाइम क्लियर आफ्टर दैट फ्लावर्स क्या होते हैं स्लोली ग्रो इन टू स्पेरिकल वॉलट साइज स्ट्रक्चर ये जो स्पेरिकल वॉलट साइज स्ट्रक्चर में जो वो ग्रो किया उसे कहते हैं कॉटन बॉल्स ठीक है अब इन साइड द काटन बॉल्स आर द कॉटन सीड्स फाइबर ऑफ कॉटन ग्रो ऑन दीज सीड्स जो हमें फाइबर चाहिए वो क्या करते हैं वो इन सीड्स में ग्रो करते हैं एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर आई हैव मैंशन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ काटन प्लांट सो यू कैन सी हेयर इज द लीफ रूट स्टेम एंड दिस इज द फ्लावर विच देन राइपनिंग इन टू अ बॉल दैट इज द कॉटन बॉल एंड देन दिस बॉल इज रेडी फॉर हार्वेस्ट इक दिस ठीक है सो ड्यूरिंग मेच्योरिटी क्या होता है द ग्रीन कॉटन बॉल्स टर्न ब्राउन मतलब पहले वो ग्रीन कलर के होते हैं एंड जब वो मेच्योर हो जाते हैं हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं तो दोज ग्रीन कॉटन बॉल्स ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है एट मेच्योरिटी द काटन बॉल्स बर्स टोपन एंड द वाइट कॉटन फाइबर कैन बी सीन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस वाइट कॉटन

कब वो हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं और कैसे उसे हार्वेस्ट किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट स्टेप इज गिनिंग अब गिनिंग क्या होता है जब कॉटन को हमने हैंड पिक कर लिया द पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स स्टिल हैज इट्स सीड इन इट उस सीड्स में ही तो कॉटन फाइबर हमें मिला था अब उस कॉटन में देर इज स्टिल सीड्स इन इट तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्राम द काटन पॉट्स इज कॉल गेनिंग कॉटन बॉल्स को हम कॉटन पॉट्स भी कह सकते हैं ठीक है सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गेनिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड फ्रॉम काटन पॉट इज कॉल गिनिंग अब गिनिंग को दो तरीके से किया जा सकता है गिनिंग कैन बी डन बाई हैंड and also by machine so when we are talking about by hand it can be done using charkha and here is a ginning machine as you can see in the picture okay this is charkha and this is a ginning machine with the help of which we can perform ginning clear moving on to our next step that is spinning cotton yarn okay spinning spinning क्या होता है एक्चुअली लेट इस फाइंड आउट द रॉ कॉटन इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बैल्स नाउ दिस कॉटन इज कन्वर्टेड इन टू यार्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स अब उसको फैक्ट्रीज में ट्रांसफर करना होगा तो उसको पहले यार्न में कन्वर्ट करना होगा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये फॉलोइंग जो स्टेप्स है दीज स्टेप्स हैव टू बी टेकन तो स्पिनिंग का क्या डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग आई रिपीट द डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग ठीक है सो so फर्स्ट हम क्या करेंगे द रॉ कॉटन इज लूजेंड एंड क्लीन फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स तो जो रॉ कॉटन फाइबर हमें मिला उसको पहले लूज करेंगे और उसको क्लीन करेंगे उसके अंदर से कुछ आ, जो स्ट्रॉ या ड्राइड लीव्स रह जाते हैं उसको क्लीन अप करेंगे ठीक है और उसको लूज करेंगे नाउ जो क्लीन कॉटन था इज देन फेड इनटू अ मशीन उसको मशीन में फेड करेंगे हियर इज अ पिक्चर ऑफ स्पिनिंग मशीन तो इस मशीन में डालेंगे यहाँ पे क्या होता है हियर द कॉटन फाइबर्स आर कोम स्ट्रेटेंड एंड कन्वर्टेड इन रोप लाइक लूज स्ट्रेट्स ठीक है रोप लाइक ये देखिए रोप लाइक्स लूज स्ट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है तो इन स्ट्रेट्स को क्या कहते हैं दी स्ट्रेट्स इज कॉल सिल्वर ठीक है silver, अब ये जो लूज स्ट्रेट कॉटन फाइबर के जो लूज स्ट्रेट हमें मिले दो सिल्वर इज कन्वर्टेड इन टू यान ऑन स्पिनिंग मशीन अब इनको स्पिनिंग मशीन के थ्रू यार्नस में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है सो हम सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करेंगे कि उस रॉ कॉटन को लूज करेंगे क्लीन अप करेंगे क्लीन कॉटन को मशीन में डाल के उनको लूज स्ट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे जिनको कहेंगे सिल्वर नाउ ये सिल्वर को स्पिनिंग मशीन में डाल के इनको यार्न में कन्वर्ट करेंगे अब देखिए जब हम उसको स्पिनिंग करते हैं ड्यूरिंग स्पिनिंग क्या होता है वो जो स्ट्रेट्स होते हैं उनको पुल किया जाता है ट्विस्ट किया जाता है एट द सेम टाइम सो ड्यूरिंग स्पिनिंग स्ट्रेट इज़ पुल्ड एंड ट्विस्टेड एट द सेम टाइम वाई इज दिस सो बिकॉज ट्विस्टिंग मेक्स द यार्ट्रांगर सो दैट वी गेट अ वेरी नाइस मटेरियल कॉटन मटेरियल सो and stronger ones, so that is why twisting makes the yarn stronger and thus during spinning twisted straights are twisted and pulled at the same time clear so this was about spinning and forming the fiber into yarn okay? next is weaving that is how yarn are being converted into fabrics

यान को एक साथ प्रोसेस किया जाता है कैसे इन अ राइट एंगल एज यू कैन से दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल सो दे आर बीइंग ट्विस्टेड और दे आर बीइंग अरेंज्ड इन अ राइट एंगल एंड दे आर मेकिंग अ फेब्रिक आउट ऑफ फेयर सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेविंग ठीक है अब ये जो वेविंग है इट कैन बी डन ऑन हैंडलूम्स और पावर लूम्स जो बिग रील्स होते हैं यान के उसे क्या बोलते हैं बॉबिन्स ठीक है द बिग रील्स ऑफ यान आर कॉल बॉबिन्स एंड दीज बॉबिन्स आर यूज फॉर विविंग क्लोथ्स ठीक है इसको यूज किया जाता है क्लोथ को विव करने में ठीक है नाउ जैसे कि मैंने बताया कि दो सेट्स ऑफ यान्स को टुगेदर वीव किया जाता है दिस इज दीज टू सेट्स नाउ देयर इज अ सिंपल नेम फॉर इट क्या है कि इन सिंपल विविंग द वेफ्ट गोल्स अल्टरनेटिवली ओवर एंड अंडर अ सिंगल लेंथवाइज और वॉप ठीक है सो ये है वॉप, दिस इज वेफ्ट क्या होता है सपोज दिस इज द फ्रेम ब्लू वन इज द फ्रेम विच इज कॉल द वॉप, ठीक है, उसके ऊपर नीचे दल्टरनेटिवली ओवर एंड अंडर दिस इज ओवर कंडीशन एंड दिस इज द अंडर कंडीशन एंड दिस इज दिफ्ट तो एक फ्रेम होगा जिसे हम वॉक बोलेंगे उसके ऊपर से या नीचे से एक और यान होगा जिसको हम बोलेंगे विफ्ट उसको जब हम वैसे प्रोसेस करेंगे सो दैट इज वट हैपन्स इन अ सिंपल वीविंग ठीक है दैट इज हाउ द विविंग इज बीन डन ठीक है सो नाउ द क्लोथ वूवन ऑन लूम्स इज दैन ब्लीच डाइड एंड गिवन अ फिनिश उसको डाई किया जाता है देन ब्लीच किया जाता है और हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है सो हियर आर फ्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स दैट वी आर गेटिंग दैट इज द कॉटन क्लोथ्स एज वी कैन सी इन द पिक्चर सो दिस इज हाउ द वीविंग इज बीन डन ठीक है अनदर वे टू कन्वर्ट यार्न इन टू फेब्रिक इज नीटिंग सो नीटिंग में क्या आता है इन नीटिंग सिंगल यान इज यूज टू मेक अ फेब्रिक एक सिंगल यान ही यूज किया जाता है फेब्रिक बनाने के लिए बट कभी कभी मेनी अ टाइम्स मेनी यान आर ज्वाइंट वन टू वन लेंथवाइज ठीक है सो यर यू कैन सी निटिंग इन द इमेज दिटिंग कैन बी डन बाई हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन सो वट आर दिंग्स दैट वी आर गेटिंग आफ्टर निटिंग Those are socks, sweater, etc. are knitted from the suitable yarn. Thicke? So, this is how also we can get our fabrics. Name is knitting. Okay. By the process of knitting also we can get another kind of fabrics. Okay.

फेब्रिक्स को और टेक्सटाइल्स को हम मिक्सअप कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ कॉटन एंड अनदर काइंड दोज आर मैन मेड उन दोनों को मिक्स करके हम बहुत अच्छा विस्कस एंड पॉलिस्टर टाइप का ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं सो यर आर फ्यू ड्रेस मटेरियल्स नाउ देर इज अनदर यूज ऑफ कॉटन दैट इज क्लीन एंड स्टेरिलाइज कॉटन इज यूज एज Absorbent in hospitals like bandages is also made of cotton threads. We are very much familiar with bandages, so those bandages are also made of cotton. So, these are few of the uses of cotton that I have listed. There are many, okay. So, this is all about the processing of cotton and the uses of cotton. So, students, I will keep this video till here. In our next video, we will discuss more about this chapter. So, stay tuned and thank you.